हाय एवरीवन, शिवानी यार। सो कैसे हैं आप लोग? तो एक नए वीडियो के साथ, एज मैंने प्रॉमिस किया था, एक शॉर्ट में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नए वीडियो के साथ आने वाली हूँ, जो बहुत ही इजी वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने इस पे बनाया हुआ है, मैं भी इसे बना के लेके आ रही हूँ, बिकॉज एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए उस पॉइंट पर, इसलिए मैंने ये डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो ये जो टॉपिक है, द टॉपिक इज हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि हार्ड स्किल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, तो उसी चीज़ को मैं पूरा डिटेल में बताने के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। हार्ड स्किल्स मतलब हो गया आपका वो स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स। अब सॉफ्ट स्किल्स आपके हो गए पर्सनालिटी ट्रेट्स हो गए। तो अब इसको अगर आप डिटेल में समझना है, अगर आप एक फ्रेशर, बिकॉज रिज्यूमे जब हम बनाते हैं, इवन आप फ्रेशर, इवन आप एक्सपीरियंस होते हैं, उसमें भी आपके हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स पूछ जाते हैं कि व्हाट्स योर हार्ड स्किल्स, व्हाट्स योर सॉफ्ट स्किल्स। तो उनको डिटेल में बताने के लिए, जब तक आपको पता नहीं होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, तब तक आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे हमें इसको एक्सप्लेन करना है। तो फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग, उस चीज़ को समझने के लिए ये मैं वीडियो लेके आई हूँ। तो पहले आप लिखूंगी ना हार्ड स्किल्स के बारे में कि हार्ड स्किल्स क्या होते हैं, और सेकंड में इसके जाऊंगी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। तो अगर मैं पहले हार्ड स्किल्स की बात कर लूँ, तो हार्ड स्किल्स क्या होता है? जैसे कि हार्ड स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि टेक्निकल स्किल्स बोल दूँ मैं इनको, जो मैंने बताया था अभी कि टेक्निकल स्किल्स होती हैं। हार्ड स्किल्स उन स्किल्स को बोलते हैं जिनको हम लर्न करते हैं, जिनको हम सीखते हैं, जो पर्टिकुलरली हमारे एक बिहेवियर, हमारे कैरेक्टर, हमारे पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं होती है, दैट इज़ अ हार्ड स्किल्स। आप एग्जाम्पल लो जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब आप एक इंसान का नेचर क्या होता है, एक इंसान का नेचर होता है उसका हाउ टू हैंडल द टीम लीडिंग, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, दैट्स पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। ये आपको सिखाया नहीं जाता है, सिखाया भी जाता है बट इसका कुछ आपका इनपुट आपके एंड से भी होता है, हमारी पर्सनैलिटी के एंड से भी होता है। तो हार्ड स्किल्स हमारी वो हो गई, जैसे एग्जाम्पल हमने बताया था अभी का आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट्स अ हार्ड स्किल्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जाम्पल यहाँ पे डिफाइन मैं करूँगी, डिफरेंस बताऊँगी। एक पर्सन है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसकी PHP है, और एक पर्सन जिसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा है, और एक की है .NET। सो ये तीन अलग लैंग्वेजेस हो गई। तो अगर एग्जाम्पल थ्री पर्सन आ देगा, तो इफ आई एम आस्किंग अबाउट द हार्ड स्किल्स ऑफ दैम, सो वन पर्सन इज सेइंग इफ दे आर इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वन पर्सन सेइंग PHP, द सेकंड पर्सन इज सेइंग जावा, थर्ड पर्सन इज सेइंग .NET। तो ये कोई एक नहीं है, तीन के अलग अलग है। दिस इज हार्ड स्किल्स बेसिकली जो उन्होंने सीखी है, उन्होंने तीनों ने अलग अलग इनको लर्न किया हुआ है। तो अगर एक पर्सन है जिसकी जावा है, उसको हम हार्ड स्किल्स बोलेंगे, ना कि सॉफ्ट स्किल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक मैंने एग्जांपल दिया है। दूसरे अगर मैं बात करती हूँ, आजकल डिजिटल मार्केटिंग सबको पता है बूम पर है, पूरी दुनिया ही डिजिटल हो रही है। बात तो सही है। तो इसमें अगर हम लेंगे मार्केटिंग, अब इसको मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं, इसको मार्केटिंग कन्वर्ट किया। मार्केटिंग में दो टाइप की, अगर एग्जाम्पल होगा मैंने ले लिया आपका डिजिटल मार्केटिंग, और दूसरी हम ले ली सेल्स मार्केटिंग। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग की हम बात करें तो यहाँ पर हमारा हो गया SEO, SMO, SEM। ये सब क्या हो गया? हमारा हार्ड स्किल हो गया, कि एक पर्सन की हार्ड स्किल्स है। अगर ये एडिड है उसके पास तो प्लस पॉइंट होता है, तो ये आपकी हार्ड स्किल्स होगी। सेल्स भी अगर आपके पास है तो भी हार्ड स्किल्स होगी, क्योंकि ये पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है, आपने कहीं ना कहीं सीखा है इनको जाके, या आप जॉब में रहते हुए, या आपने किसी इंस्टीट्यूट से या किसी जगह से आपने सीखा है कि किस तरीके से हम सेल्स में काम करते, किस तरीके से हम डिजिटल मार्केटिंग में काम करते, क्या डिजिटल मार्केटिंग होती है। तो ये हमारा हो जाता है हार्ड स्किल। अगर तीसरी बात करें हम आपके कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज की बात करूँ मैं, तो कंप्यूटर नॉलेज बेसिकली हर एक इंसान सीखता है, कंप्यूटर जाके सीखता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसको हार्ड स्किल्स बोलेंगे, बिकॉज ये लर्न किया गया है, इनको स्टार्ट किया गया, अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब आप पैदा हुए या जब आप बड़े हुए तो आपके नेचर की बात है, नहीं, ये आपने सीखा हुआ है, इसको आपने स्किल को एड ऑन किया है सीख के। तो बेसिकली ये आपकी हार्ड स्किल में आएगी। तो जो भी स्किल्स बेसिकली जो आप सीखते हो, आप लर्न करते हो, आप जॉब से सीखते हो, या कैसे भी किसी और से सीखो या खुद से सीखो, तो ये आपकी हार्ड स्किल्स होगी जो मैंने बताया। आप इसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश कौन सी, इंग्लिश भी आपकी हार्ड स्किल में आ जाएगी। कोई अदर लैंग्वेज है, अगर आपने कोई अदर लैंग्वेज सीखी है, वो भी आपकी हार्ड स्किल्स में आ जाएंगी, अगर कोई एडिड लैंग्वेज सीखी है। उसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्ट स्किल्स की। यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको सॉफ्ट स्किल्स। अब सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं? तो एज आई टोल्ड यू कि सॉफ्ट स्किल्स आर दो स्किल्स विच आर नॉट हार्ड स्किल्स। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ। सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो बेसिकली एक नेचर, पर्सनैलिटी ट्रेट्स में बोलूँ मैं, पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है, दैट कम टू सॉफ्ट स्किल्स।
जैसे कि एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि एक हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, बेसिकली हम स्पीच को बोलेंगे बोलेंगे सिचुएशन हैंडलिंग। ठीक है, ये आपका पार्ट क्या हो गया कि इस एचआर की बात करूँ तो एचआर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ यू हैंडल द सिचुएशन। एग्जाम्पल ग्रीवेंस हैंडलिंग हो गया या कुछ और इश्यूज हो गए, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, किस चीज के किस कैसे हैंडल करोगे, सिचुएशन दी गई सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। ये आपका अलग अलग सॉफ्ट स्किल है, ना कि हार्ड स्किल्स है, ये आपका डिफरेंस है यहाँ पर, अब भी आप देखोगे। दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग बेसिकली कि अगर आपको कोई टफ डिसीजन लेना है या कोई सिचुएशन दी है उसमें बोला गया कि डिसीजन, ये भी पार्ट है सिचुएशन हैंडलिंग का और डिसीजन मेकिंग का, बेसिकली हम कोरिलेट कर सकते हैं दोनों को। तो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हो गया कि आप कैसे डिसीजन लोगे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर आपको सिचुएशन दी गई है उस पर डिसीजन लेने को दिया गया है तो कैसे आप डिसीजन लोगे बेसिकली, तो ये आपका सॉफ्ट स्किल में आ जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सॉफ्ट स्किल्स में एक बहुत ही कॉमन है सभी पूछते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की एग्जाम्पल अगर कि एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाउ यू विल मैनेज योर टाइम, टाइम मैनेज जस्ट टेल मी अबाउट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती है कि हाउ यू हैंडल द सिचुएशन के साथ हाउ यू हैंडल योर टाइम। एग्जाम्पल कि अगर आपको टास्क मिले हैं, एक आप किसी कंपनी में जॉब करते हो या कुछ भी काम करते हो, जो कंपनी में जॉब करते हो, आप डॉक्टर हो, आप एक हाउस वाइफ हो, आप कोई भी फील्ड में किसी भी फील्ड में हो, तो उसमें अपने टाइम को कैसे डिवाइड करोगे, अपने टाइम को कैसे मैनेज करोगे कि पर्टिकुलर टाइम मुझे हाफ एन आवर इस काम को देना है, हाफ एन आवर इस काम, क्योंकि एक काम को उठा के पूरे दिन नहीं लगा सकते, यू विल गेट द मल्टीपल वर्क। तो उस सारे काम को करने के लिए आप हाउ विल हैंडल द टाइम, जैसे कि टाइम कैसे मैनेज करोगे, ये आपका हो गया टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हो गई, ये आपका सॉफ्ट स्किल्स हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ अगर बात करते हैं लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल बेसिकली ये चीज़ भी है कि हर कोई एक पर्सन जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है, सीनियर होता है, वो लीडर नहीं होता है। लीडरशिप एक एक क्वालिटी है मैं तो कुछ और ही समझ रहा था जो आपके कभी कभी, एक मैंने एक एक फोटो देखी थी, पिक्चर देखी थी, उसमें एक बहुत 4 साल का बच्चा एक घोड़े को मैनेज कर रहा था। घोड़े को तो आप लोगों ने भी देखे होंगे, घोड़े को लेके जा रहा है, उसको लेके जा रहा है 4 साल का। तो उसमें लिखा था, उस कोट में लिखा था कि लीडरशिप इज नॉट अबाउट द एज, द सेम कि लीडरशिप इज नॉट अबाउट द एज, लीडरशिप इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस। डजेंट मीन कि अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप में लीडरशिप क्वालिटी हो, डजेंट मीन कि आप तो आपके पास बहुत ज़्यादा आपकी एज हो तो आप एक लीडरशिप क्वालिटी हो। लीडरशिप क्वालिटी एक पर्सनैलिटी ट्रेट्स है जो एक्सपीरियंस के साथ भी नहीं, ऐसे हम बोलेंगे एक्सपीरियंस के साथ नहीं कि नहीं आता, एक्सपीरियंस के साथ भी आता है। बट देयर सम पीपल जो होते हैं बॉर्न लीडर हुए, जो ऐसे लीडर हैं जो जिन्होंने टाइम, जिनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है लीडरशिप का, उसके बाद जब उनको मौका दिया जाता है तो वो लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हैं। तो ये आपको पर्सनैलिटी का पार्ट है, तो ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स में आएगा। तो यहाँ मैंने दो बताए, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं, जो एड ऑन स्किल्स बोलूँगी मैं, या जिनको हम एक एक्स्ट्रा स्किल्स हम अपने सीवी में, हम अपने आपके में ऐड करते हैं, अपने नॉलेज के लिए ऐड करते हैं, दैट कम्स टू हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स आर दो स्किल्स, जो स्किल्स हमारे पर्सनालिटी का पार्ट होते हैं, जो हमारे नेचर का पार्ट होते हैं, जो हम बोले कि हमारे साथ हमारे बॉर्न स्किल्स हो गए, जो हम जब हम पैदा होते हैं तो वो स्किल्स हमारे साथ ऐड ऑन होती है, वो स्किल्स हमारी हो गई सॉफ्ट स्किल्स। तो ये मैंने डिफरेंस बताया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये दो स्किल्स क्या हैं। बाकी आप लोग कनेक्ट रहो डिसेक्शन कनेक्ट से, और जितने भी अगर आपको कोई और वीडियो बनवाना है या पर्टिकुलर वीडियो पे कुछ समझना है तो आप मैसेज करो मुझे, कमेंट करो, और कमेंट आप जब लोग करते हो ना डिटेल्स मुझसे हो कमेंट पर, तो मैं उस कमेंट पे आपको नहीं पूरा डिटेल में बता पाऊँगी कि एक्सप्लेन करना कमेंट में पॉसिबल नहीं है। तो जो मेल आईडी है हमारी info@dissectionconnect.com, उस पर आप एक मेल राइट करो, उस पर आपको मेल का रिस्पॉन्स आ जाएगा। इफ़ यू पीपल आर लुकिंग फॉर जॉब, एज मैंने बोला है, हमारे डिसेक्शन कनेक्ट के करियर के पेज को चेक करो, वहाँ पे HR का नंबर, आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। और इफ़ यू पीपल आर लुकिंग फॉर सम सर्टिफिकेशन कोर्सेज और कुछ भी आप करियर काउंसलिंग आप देख रहे हो तो भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पे मैं लिंक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, एंड यस लिंक्डइन पे आप फॉलो करो। लिंक्डइन सबसे अच्छा एक सोर्स है अगर आप जॉब देख रहे हो, आप जॉब सीकर, बिकॉज मेरे चैनल पर वही बहुत सारे लोग हैं जो जॉब देख रहे होते हैं, जॉब सीकर्स होते हैं, करियर से सीखना होता है, वो लोग उनकी जो नंबर ऑफ पीपल उनकी ज़्यादा है, तो आप हमें लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो। बाकी कीप सपोर्टिंग अस, कीप फॉलोइंग अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।